नमस्कार, आप देख रहे हैं जे हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भिवानी जिले के मास्टर सुनील धरवानबास ने किसान परिवार में जन्म लिया। किसान हित में काम करने वाले सुनील ने शुभम इरिगेशन एजेंसी का बहल में उद्घाटन हुआ। इस खास मौके पर पूर्व जिला प्रमुख राजवीर फरटिया ने अपने हाथों से रिबन काट कर उद्घाटन किया व इस क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की कि शुभम इरिगेशन एजेंसी में आकर मुलाकात करें। मास्टर सुनील ने हमें जानकारी दी कि एक हफ्ते तक किसानों के लिए विशेष छूट रहेगी और बहल कस्बे में किसानों के लिए सुनहरा अवसर रहेगा और किसानों को बड़ा फायदा रहेगा क्योंकि एक एकड़ का माल 100% सब्सिडी पर मिलेगा, मतलब कि केवल GST पर मिलेगा। राजवीर फरटिया ने जे हरियाणा टीवी के पत्रकार करमवीर सारसर से बातचीत में फरटिया ने क्या कहा, सुनिए। आप सबका पुणे में धन्य जुड़े हुए बहल के आसपास के गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, साथ में खड़ी मेरी माता शक्ति, मेरी बहन, सबसे पहले तो हम जिस प्रोग्राम में आज जिस खुशी में हम इकट्ठे हुए, भाई सुनील जी ने जो एक शुरुआत आपके बहल ब्लॉक के किसानों के लिए शुभम इरिगेशन के नाम से जो हमारा सबसे पौराणिक जो हम करते थे हवन यज्ञ के द्वारा, आप लोगों ने हवन के द्वारा अपनी आहुति डाली, तो इसके लिए मैं भाई सुनील को और पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। मैं अपनी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, ये भाई सुनील द्वारा रखी गई है नींव, आपके द्वारा उसमें डाली गई आहुति, ये कभी खाली नहीं जाएगी और किसान परिवार की सेवा में जो इनने एक बीड़ा उठाया है शुभम इरिगेशन के नाम से, ये भय ब्लॉक में नहीं। अभी भाई सुनील मेरे साथ बैठे हुए थे, बता रहे थे कि मैं आगे चल करके दिगावा और दूसरा नकीपुर में भी एक इस तरह का शुभारंभ किसानों के लिए जो खास करके, मेरे को बड़ी खुशी की बात हुई। हमारे नवीन साथी हैं, उनने बताया कि मास्टर जी सुनील एक इस तरह का शुभम इरिगेशन के नाम से बहल में एक उद्घाटन कर रहे हैं, तो आपको उसमें वो बुलाना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी मिली मेरे को कि इस परिवार ने, आप लोगों ने सबने यहाँ पर बुला करके पूरे परिवार ने जो इतना मान सम्मान फूल की मालाओं से जो दिया, उसके लिए साथियों मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। किसानों का आज खास करके मैं तो यही समझूंगा कि सुनील भाई ने जो कीड़ा उठाया है वो सारा का सारा किसानों के लिए, और किसानों में जो जागृति आज मैं देख रहा हूँ पिछले 13 महीने से, और उन्हीं लोगों को यहाँ पर सबसे खुशी की बात ये हुई कि जिन्होंने संघर्ष किया, चाहे रामचंद्र फौजी जी हैं, चाहे हमारे दयानंद जी हैं, चाहे हमारी बहन कविता जी हैं, इन सब लोगों ने उसमें सहयोग किया और उनने अपने विचार आप सबके सामने रखे, तो बड़ी खुशी मिली कि किसान परिवार से जुड़ा हुआ आज जो एक शुभारंभ हमने किया और किसानों के जो आवाज उठाई 13 महीने तक, उन लोगों ने अपनी दो बात यहाँ पर रखी, तो बहुत बहुत उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 13 महीने तक उस लड़ाई में जो आपकी सबकी लड़ाई थी, चाहे वो गरीब किसान मजदूर था, व्यापारी था, कोई भी था, इन लोगों ने जिस तरह से वायदे किए थे, चाहे वो नौजवानों के लिए किए थे, करोड़ों करोड़ों नौकरियां देने के किए थे, बिना किसानों के लिए अच्छे भाव देने की बात की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन लोगों ने कुछ नहीं किया, और हमने जो संघर्ष शुरू किया था 13 महीने शायद आज से पहले इतिहास में भारतवर्ष में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला हुआ कि 13 महीने इसने लंबे आंदोलन में दिल्ली के चारों तरफ इतना किसानों ने घेर कह रखा हुआ था, फिर भी इन लोगों की आंख नहीं खुली, लेकिन आपका जो संघर्ष था वो उन लोगों की आंख खोलने का काम किया, आपका संघर्ष काम आया और उनको झुकना पड़ा, अपनी मांगे जो उन्होंने हमारे ऊपर थोपी गई जो योजनाएं थी उनको वापस लेना पड़ा, तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र रहे। मैं देखता था किसान धरनों में, हमारे चाहे जिले भिवानी चाहे दादरी की बात आए, हर किसान
किसानों का जहाँ करना था मेरे को जाने का वहां मौका मिला, और उसमें जो भागीदारी थी हमारे किसानों की, हर घर से मैं देखता था कैसे लापसी, कैसे रोटी, कैसे सब्जी और कैसे दूध, इतना मात्रा में आप लेकर के जाते थे। आपने बहुत संघर्ष किया, पूरा किसान परिवार आज बैठा हुआ है, तो इससे मैं बधाई देता हूँ भाई सुनील को कि आपके द्वारा जो रखी गई किसानों की नींव आगे चल करके दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करे, यही हम प्रार्थना भगवान से करते हैं और आशा करते हैं कि भाई सुनील तीन तीन नहीं दस दस जगह इस तरह के सेंटर खोल करके हमारे किसानों के प्रति जो भी जितना भी भलाई का काम हो सके वो करे। भाई सुनील बता रहा था कि इसमें जो जीएसटी का पैसा होता है शायद 5% होता है, वाले 12% देखो कितनी दुख की बात है, जीएसटी का सबसे कम किसानों के ऊपर जो बोझ 12% डाला गया है, 5% 2% कुछ कम करके इस तरह की अगर उनकी स्कीम होती तो हम मान सकते थे, 12% हमारे ऊपर टैक्स ठोका गया है। भाई सुनील ने भी दिलेरी दिखाई कि उनने जीएसटी का जो पैसा है 12% वो 5 दिन के लिए आपके लिए फ्री किया है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप लोग अगर कहीं भी किसी किसान भाई को जरूरत है खेत में इरिगेशन सिस्टम की, तो वो अपनी बुकिंग इन 5 दिनों में करवाए। और भाई सुनील को भी मैं ये एक बात अपनी तरफ से रखूंगा कि भाई सुनील पैसा तो गिनती में बहुत कमाना है, बहुत कमा लेंगे हम। किसान परिवार सबसे गरीब परिवार होता है, चाहे वो किसी जाति का नहीं होता, किसान कोई भी हो सकता है, किसान को आज इस तरह के भाव मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जय हरियाणा टीवी के साथ। नमस्कार।